नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो है कि हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड के जो है कि रिजल्ट तो देख ही लिए होंगे। रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, डेटा पैटर्न भी पीछे नहीं है। डेटा पैटर्न की बात करें तो आज के दिन हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड के रिजल्ट देखने को मिले और डेटा पैटर्न का जिस साइड से मतलब कि चार्ट देखने को मिल रहा है और सडनली एक तेजी देखने को मिलती है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोटिक्स के भी चार्ट क्रिएट हुए थे। इस चीज़ को आपने अगर नोटिस किया होगा, दोनों को जाके एक बार आप कंपेयर करना, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। हालांकि दोस्तों हो सकता है किसी के लिए मतलब अभी देखा है तो हिंदुस्तान एरोटिक्स जो है कि 5000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, तो महंगा प्राइस साबित हो सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों, हिंदुस्तान एरोटिक्स के बाद जो ऑप्शन सेकेंड निकल के आता है, डेटा पैटर्न भी पीछे नहीं। देखिए, ये एक रिस्की कंपनी है वोलेटाइल के मामले में। हालांकि कंपनी एक फंडामेंटली और एक छोटी कंपनी जिस साइज की देखने को मिलती है, तो स्ट्रांग कंपनी भी आप कह सकते हैं। उस हिसाब से कंपनी के 18 तारीख को क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो कि बाइंग करने में इंटरेस्टेड हों, तो हम उनसे इतना ही बताएं दोस्तों, कल के दिन जो है कि मतलब फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हो सकता है कि एक और भी तेजी भी देखने को मिल सकती है और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि गिरावट के कम चांस है और तेजी के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चांस देखने को मिल सकते हैं। हम आगे डेटा पैटर्न के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ, 3.25% के इस ऊपर जो है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जिस टाइप से मतलब कि हिंदुस्तान एरोटिक्स का आपको चार्ट क्रिएट होता हुआ दिखा था और सडनली एक तेजी देखने को मिली, तो इस टाइप से इसी स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोटिक्स डेटा पैटर्न का डायरेक्टली क्लाइंट्स देखने को मिलता है, मतलब जितना भी उनके पास रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है, तो उसी हिसाब से इस कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। हालांकि मार्जिंस उनके पास लगभग जो इविडा मार्जिन से 40% का देखने को मिलता है। हालांकि उनका जो कि मतलब नेट प्रॉफिट है 52% का ग्रो हो रहा है, तो ये एक छोटी कंपनी है। इसके रिजल्ट हो सकता है कि उससे भी अच्छे आ सकते हैं और हो सकता है कि उससे थोड़ा सा मतलब कि डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने अभी तक मतलब जिस टाइप का रिटर्न बना के दिया है, जिस टाइप की तेजी दिखाई है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज हिंदुस्तान एरोटिक्स का प्रॉफिट कितना है, नेट इनकम कितना था उसका, आपसे बताएं 52% की ग्रोथ देखने को मिली। इस कंपनी का भी कितना है, 52-53%। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। उसका 18-20% के आसपास जो कि रेवेन्यू ग्रोथ थी, तो इस कंपनी का भी 25% का ग्रोथ था। तो देखिए दोस्तों, एक ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, उसके क्लाइंट्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोटिक्स ने मजगांव डक देखा है, तो जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां है, डायरेक्टली डिफेंस सेक्टर में जो मार्केट में लिस्ट हैं उनको छोड़ दीजिए, तो इसरो DRDO भी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में बिफोर क्वार्टर फोर के रिजल्ट को क्वार्टर फोर के रिजल्ट के पहले क्या हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो भी रिटेलर बाई करेगा, अगर कल ड्यूरिंग द मार्केट इस कंपनी के रिजल्ट आ गए, तो हो सकता है कि स्टॉक में ड्यूरिंग द मार्केट ही इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर नहीं आए तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो 21 को देखने को मिल जाएगा। कंपनी छोटी है दोस्तों, तो इससे बहुत ज़्यादा इससे भी आपको उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि बताना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को बताया कि ये मार्केट है, यहाँ पर किसी बात की गारंटी नहीं होती है। हाँ, ऐसे में होता क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देती है, तो उस हिसाब से देखा तो उस स्टॉक में प्रॉफिट भी बुकिंग होते हुए दिख सकती है। लेकिन ऐसा अभी तक इस स्टॉक में नहीं हुआ है, लेकिन एक रिस्की स्टॉक है, तो हिसाब से हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है। देखा तो 3.25% स्टॉक में तेजी देखने में 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख के आसपास टोटल से ट्रेड हुई, 25% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया। इस कंपनी ने अभी रिसेंट में 24 अप्रैल को हाई लगाया था 3208 रुपये का। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि अगला HLA कोई बनेगा, तो डेटा पैटर्न से आप चाहे तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, न कि आप कह सकते हैं कि एज ए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। एज ए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना, इनका जो बोर्ड मीटिंग होगा, उस बोर्ड मीटिंग में आप कह सकते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड से भी रिलेटेड डिस्कस कर सकती है, जो कि हो सकता है फाइनल डिविडेंड हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंटरिम डिविडेंड होगा दोस्तों, तो इसमें कम समय में ही आपको पे हो जाता है। इस स्टॉक को फोकस में रखने की जरूरत क्यों है दोस्तों? सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लगभग 35 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और जो भी मतलब जो डिफेंस सेक्टर में आपको हिंदुस्तान एरोटिक्स आज के डेट में प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं कि स्पेस में जो कि एयरलैंड यहाँ पे सीज से रिलेटेड जो कि मजगांव डक आ जाएगा, कोचिन शिप यार्ड आ जाएगा, गार्डन रिच आ जाएगा। इंक्लूडेड प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, LCA, तेजस लाइट कॉम्बैट यूटिलिटी, जो मतलब एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स, तो ब्रह्मोस की बात करें मिसाइल से रिलेटेड, वो भी इस कंपनी ने ही किया है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो कंपनी का जो भी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड द अदर सिस्टम से भी रिलेटेड कंपनी काम करती है। ब्रह्मोस प्रोग्रामिंग का भी कंपनी ने काम किया था और एविएशन से भी काम किया था।
यहाँ पे कुछ इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी अभी चालू हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि HLA ध्रुव की बात करें, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अगर बात करूँ, LUH की बात करें, LCA की बात करें, तो इसमें इन कंपनी का मतलब कि कुछ योगदान भी देखने को मिलता है। इसके जो की कस्टमर्स है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो कि इस समय टॉप पे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो भी एकदम ऑल टाइम हाई, एकदम सुपर डुपर हिट रिजल्ट, इसरो की बात करें, DRDO की बात करें, बहुत ज़्यादा इनसे जो है कि मतलब इस कंपनी को एक्सपेक्टेशन है। और ये सभी कंपनियाँ जो इनके की पर्सन है दोस्तों, इनसे ही इस कंपनी को लगभग 42% का रेवेन्यू भी आते हुए दिखता है। तो उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इनके रिजल्ट एकदम बेस्ट ही आ रहे हैं। आप सभी लोगों को बताएं, वेलो और HLA तो पहला डिफेंस सेक्टर की कंपनी देखने को मिली गई, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी तक के अगर मैं ऑर्डर बुक की भी बात करूँ तो कंपनी के पास एक ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि हम और आप ही जो कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में देखा है, तो FIs और DIs भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। तो जिनके पास भी है मैं इतना ही कहूँगा, आप चाहे तो होल्ड करें, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बराबर आपके पास अगर पैसा नहीं, अगर आप सोचते हैं कि अगला HLA कौन बनेगा, तो हम आपसे बता दें डेटा पैटर्न में पूरी पोटेंशियल देखने को मिल जाती है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, थोड़ा सा एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है तो आपसे बताते हैं कि इस स्टॉक में जिस टाइम पे गिरावट होगी तो 20-25% ये कंपनी शॉर्ट टाइम में करेक्ट भी हो जाती है। उस हिसाब से देखा है तो 3 गुना अभी तक कंपनी ने पैसे को डबल किया है, मतलब 3 गुना कर दिया। उस हिसाब से गिरावट होगी तो ये कंपनी 2500 के आसपास आ सकती है गिरावट में। और तेज़ी की बात करें तो अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, और हो सकता है मतलब Q4 के रिजल्ट आने के बाद ये कंपनी फर्स्ट जो है कि 3500 के लेवल को तोड़ेगी, और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगला HLA भी बन सकती है। HLA के प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी ट्रेड हो सकती है। चलिए इस तो बेच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चैनल को कमेंट कर सकते हैं।